hello everyone so we are solving the index questions of the chapter aldehydes ketones and carboxylic acids and today we will discuss the last question of this chapter which is index question number 8 so the question says which acid of each pair shown here would you expect to be stronger आपको कुछ एसिड के पेयर गिवन है और आपको बताना है कि उस पेर में से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा ठीक है बेटा तो अगर हम यहां पर थोड़ी सी जनरल बात करें हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की राइट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो क्या बनता है बेटा आपके पास बनेगा कॉन्जोगेट बेस फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है एसिडिटी कैसे चेक करते हैं यहां से ये यह H प्लस जाएगा बाहर तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज ओ माइनस ये क्या है बेटा ये था आपके पास एसिड तो ये बना इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस तो जब भी एसिडिटी चेक करनी होती है तो हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ठीक है दो एसिड्स दिए हैं तो दोनों एसिड के कॉन्जुगेट बेस को हम कंपेयर कर लेंगे दोनों में से जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका एसिड उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा ठीक है ओके तो अब यहां पर बेटा ये डिपेंड करता है इस आर ग्रुप पर ये जो आर ग्रुप लगा है इस पर डिपेंड करेगा कि ये इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा ठीक है एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखो अगर हम कहें कि ये था आपके पास कार्बन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे बेटा तो यहां पर क्या होगा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज होगा और यहां पर होगा इस तरफ आर राइट सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हम बनाएंगे यहां और यहां पर यह होगा नेगेटिव चार्ज ठीक है अब अगर हम यहां पर बात करें ग्रुप की आपने यहां पर लगाया इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप एंड इस तरफ लगाया है आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो स्टेबिलाईज करेगा इस आयन को कैसे करेगा स्टेबलाइज़ नेगेटिव चार्ज था उसने नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा अपनी तरफ ले लिया तो डिलोकलाइज कर दिया है नेगेटिव चार्ज तो इसीलिए हम यहां पर कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं बेटा इस आयन को स्टेबलाइज़ करते हैं स्टेबिलाईज द कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलेट आयन आया है कार्बोक्सिलिक एसिड से दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन ठीक है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ इंक्रीज करेगा ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो और ज्यादा डी हो जाएगा राइट तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को ठीक है अब स्टेबिलाईज किया एक ने डिस्टेबिलाईज किया तो दोनों से फर्क क्या पड़ा बेटा जिसने स्टेबलाइज किया है वो क्या करेगा स्ट्रेंथन करेगा एसिड को स्ट्रेंथ एसिड एंड जो ये आपके पास जिसने डिस्टेबलाइज किया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने तो ये क्या करेगा ये एसिड को करेगा वीक तो हम यहां पर लिखेंगे वीक इंस्ट एसिड इतनी बात हमें समझ आ गई अब हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन में आ जाओ अब फर्स्ट पार्ट में क्या दिया बेटा फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है सी एच थ्री सी टू एच मतलब सी एस थ्री सी एच एंड सी एच टू एफ सी ओओ एच दोनों क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर ये है आपके पास सी एच थ्री कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर ओ एच एंड यहां पर क्या बेटा सी एच टू एफ तो यहां पर एफ लगा लेंगे इस तरफ एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इन दोनों में से बताना है स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा तो सबसे पहले तो क्या करेंगे ये H प्लस यहां से जाएगा बाहर तो आपके पास क्या जाएगा बेटा आपके पास आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन उन आय को हम नीचे बना लें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर ओ माइनस और यहां पर क्या बनेगा बेटा एफ सी एच टू C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O माइनस अब इन दोनों में देखो बहुत सिंपल है बेटा जनरल बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहां पर ये जो है आपके पास सी एच थ्री एंड यहां पर है सी एच टू एफ इन दोनों की अगर हम बात करें तो जो सी एच थ्री है वो क्या करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स को इधर बढ़ाएगा इसका होता है प्लस आई इफेक्ट राइट और यहां पर ये जो है सी एच टू एफ यहां पर क्या होगा बेटा ये जो फ्लोरिन लगा है इसका होता है कौन सा इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं ग्रोप्स वो क्या करते हैं देखो यहां पर वो उस कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं और एसिड को स्ट्रेंथन करते हैं तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर जो स्ट्रॉन्गर एसिड है हमारे पास वो कौन सा होगा ये वाला दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड क्लियर है बेटा बात समझ आ गई कैसे कंपेयर करना है ओके okay, अब देखो नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के स्ट्रक्चर बनाओ सी एच टू एफ सी ओ एच तो हमने यहां पर बनाया दिस इज एफ सी एच टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर ओ OH. एच दूसरा क्या बेटा सी एच टू सी एल तो सी एल सी एच टू यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ओ एच आप चाहें तो अब एसिड को देखकर भी बता सकते हैं डायरेक्टली कैसे देखो यहां पर किस चीज का डिफरेंस है सिर्फ फ्लोरीन का ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन सिर्फ हैलोजन का डिफरेंस है ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है बेटा फ्लोरीन का क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम होगा अब क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है तो क्या करेगा बेटा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को और एसिड को स्ट्रांग करेगा तो यहां पर स्ट्रांगर एसिड कौन होगा आपके पास फ्लोरीन वाला एसिड क्लियर है बात समझ आई दो पार्ट क्लियर हो गए हमें अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में देखो बेटा क्या गिवन है आपको ये दिए हुए हैं आपको दो एसिड्स पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ठीक है स्ट्रक्चर बनाने से आपको आसानी से पता चल जाएगा ये क्या था बेटा एफ सी एच टू सी एच टू सी एच टू तीन सी एच टू है यहां पर एंड दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ओ एच दूसरा क्या है बेटा सी एच थ्री सी एच एफ तो अगर मैं इस कार्बन पे मानू फ्लोरीन तो यहां पर ऊपर आ जाएगा सी एच थ्री दिस इज एच एंड यहां पर सी एच टू एंड दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ओ एच अब इन दोनों में देखो बेटा अगर हम इनके आयंस बनाएं तो आयंस कैसे बनाएंगे एच एच बाहर चले जाएगा ओके दूसरी चीज एक फ्लोरीन है यहां पर एंड एक फ्लोरीन है यहां पर अगर मैं इन दोनों का नाम लिखूं इन दोनों स्ट्रक्चर्स का नाम लिख लो तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा देखो बेटा इसका नाम क्या होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ पोजिशन पर है फ्लोरीन तो इसका नाम हो जाएगा फोर फ्लोरो और चार कार्बन आइटम्स की चेन है तो इट विल बी ब्यूटेनोइक एसिड फोर फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड और इसका नाम क्या है यहां पर थर्ड पोजीशन पर है फ्लोरीन तो यह हो जाएगा थ्री फ्लोरो कितने कार्बन आइटम्स की चेन यहां पर भी चार कार्बन आइटम्स की चेन तो इट विल बी थ्री फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड अब देखो एक में थर्ड पोजीशन पर है फ्लोरीन आइटम और एक में फोर्थ पोजीशन पर है तो अगर हम बात करें बेटा माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन की फ्लोरीन का होता है माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा ओके okay, पर जो माइनस आई इफेक्ट होता है बेटा वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट राइट right? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो जो वाला फ्लोरीन पास होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा उतना ही स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को और उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका एसिड तो अगर हम इन दोनों एसिड्स में बात करें तो स्ट्रांगर एसिड कौन होगा बेटा आपके पास स्ट्रांगर एसिड हो जाएगा ये थ्री फ्लोरो ब्यूटेनोइ एसिड दिस विल बी द स्ट्रांगर एसिड ठीक है बेटा अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट में देखो आपको डायग्राम दोनों यहाँ पर बनाकर दिए हुए हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा एक में आपके पास है ये सी एफ थ्री ग्रुप एंड एक में है सी एस थ्री ग्रुप सी एफ थ्री और सी एस थ्री दोनों में से देखो सी एस थ्री का होगा प्लस आई इफेक्ट और सी एफ थ्री का होगा माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर इस तरफ बढ़ाएगा और माइनस आई मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा ठीक तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप कौन है बेटा सी एफ थ्री तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हो जाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा आपके पास फ्लोरीन वाला दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड क्लियर तो फोर्थ पार्ट में तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी आप चाहें तो यहां पर नीचे स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हैं ये बनाए आपने स्ट्रक्चर्स यहां पर जो सी है ये क्या है बेटा दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप एंड सी एस थ्री इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा जिसमें लगा है इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप सो दैट्स वाई दिस विल बी द स्ट्रांगर एसेड ये वाली की बात समझ आ गई ओके okay, तो यहां पर इंटेक्स क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ओके बाय बाय